तो भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पे सबसे पहले ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। निजी होटल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और 500 लोगों का यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन को रोका है और मामले को लेकर के अब भगदड़ मची हुई है। और ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ पर अब भीड़ लगती हुई दिख रही है। भरतपुर के एक निजी होटल में बड़े लंबे स्तर पर जो धर्म परिवर्तन का जो स्कैंडल है वो चल रहा था और करीब 500 से अधिक महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी और तुरंत वो मौके पर पहुंचे। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो भगदड़ मच गई। जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे वो भागते हुए नजर आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। अब जो होटल जिसमें ये स्कैंडल चल रहा था उसमें बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है, पुलिस के जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं, अतिरिक्त जो जाप्ता है वो बुलाया गया और ये तस्वीर जो है वो पुलिस के अधिकारी अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने करीब 5 से अधिक जो मुख्य लोग थे उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और करीब 5 से अधिक जो महिलाएं जो यहाँ पर गुणगान करा रही थी धर्म परिवर्तन के नाम का, उनको भी गिरफ्तार किया है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है मौजूद है। किस तरह का मामला चल रहा था और कैसे आपको जानकारी मिली? सर, जैसे ही मैं तो निजी काम से था तो जैसे मेरे पास पति साहब का फोन आया, हम यहाँ कराने आए हैं, तो यहाँ पता चला कि धर्म परिवर्तन की कुछ गतिविधियाँ चल रही है। तो इन्होंने फोन किया, मैं तुरंत आया, आके देखा तो वही चंगे जी भाषा के वो चल रहे थे और ईशू चे हो और सारी समस्याओं का निदान सिर्फ ईशू मसीह है और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये कुछ नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई विष्णु नहीं है। तो जब हमने इनकी वीडियो बनानी चाहिए तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर हमारे मोबाइल वगैरह छुनाए। मैंने कि भाई मोबाइल क्यों छुना रहे हो, आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो मोबाइल को रिकॉर्डिंग करने दो। मगर इन लोगों ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और एक महिला से हमने पूछा कि मैं कि आप कब आए हो, मान कि हम तो पहली बार आए, मैं कि क्या कह के बुलाया आपको, तो उन्होंने कहा हमारे लिए पैसे दिए कि आप यहाँ आइए। और आके वो महिलाएं शायद चली गई हैं, वो इनको इन लोगों ने निकाल दिया उनको। तो उनसे पूछा तो मैंने कि हमें 500 रुपये दिए गए यहाँ लाने के लिए और फिर यहाँ कहा गया है कि आप धर्म परिवर्तन करिए और आपको सारी सुविधाएं दिलाएंगे हम। बिल्कुल उत्तम जी है, आप मौके पर मौजूद थे, आपने क्या देखा यहाँ पर, किस तरह की जानकारी आई? मेरियम को बुक कराने के लिए हम आए और वो दिखाने के लिए उस हॉल में ले गए, तब हमने देखा कि वहाँ पे LED पे बड़ा बड़ा चल रहा था, प्रवचन चल रही यीशु मसीह के नाम पे वो कह रहे, और हमने हमारे धर्म के बारे में इस तरह की बात थी जो सही नहीं थी, उचित नहीं थी। और ऊपर से इस तरह की एक बात थी जिससे बड़ा धार्मिक असंतुलन पैदा हो कि ऐसे मंदिर में पुजारी आपको पानी नहीं पीने देता है लेकिन हमारे तो वो देते हैं। इधर बाइबिल फिर हमने देखा, पूछताछ की तो उसने बताया कि इनके पास फिर इस कार्यक्रम कराने के लिए पैसे भी बाहर से फंड आता है, उनके पास में बाइबिल मिली है और इसके इनके पास में और भी ऐसी किताबें मिली हैं। और पहली बार जो औरतों को बुलाया गया वो दवाई सही करने के लिए और उनको पैसे दे के बुलाया गया। इसमें कई ऐसे आदमी इसमें यूपी से आए थे, छोटे छोटे बच्चों को माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर। तो बिल्कुल ये मौके पर मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, पुलिस के जो अधिकारी है वो अब इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। जो लोग जिनको गिरफ्तार किया है उनको थाने ले जाया गया है और उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कहाँ से आए थे और किसके कहने पर ये जो स्कैंडल है वो चलाया जा रहा था। अब ये जानकारी और निकल कर आएगी कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है और अभी कहाँ ये जाने वाले थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 जगह पर इनका जो कार्य है वो चल रहा है। एडिशनल SP खुद भूपेंद्र जी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की अब जो जांच है वो पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनकी सतर्कता से इस जो ये कार्य चल रहा था इसको पकड़ा गया और अब इस पूरे मामले में पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर।
और देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। दीपक, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है जहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अभी इनका पूरा एक सिंडिकेट होता है, एक गैंग होता है जो कि पहुंचते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। कुछ अभी अपडेट मिल पाई है यहाँ पर, जो लोग भी पहुंचे थे उनसे अगर बातचीत हो पाई हो, उन्होंने कुछ बताया हो? देखिए बिल्कुल, भरतपुर में ये बड़ा संवेदनशील मामला सामने आया है जहां एक निजी होटल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सतर्कता और सजगता के चलते ये जो मामला है वो उजागर हुआ है। और एक ये गैंग था जो कई दिनों से सक्रिय था और उसके द्वारा आसपास के गांव के जो इलाके के लोग थे, गरीब तबके के जो लोग थे, उनका माइंड वॉश करके छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को और जो बालिकाएं थी उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और वहां पर ईसा मसीह का गुणगान वहां पर कराया जा रहा था। ये जो तस्वीरें हैं उस सीधी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से जब वो लोग वहां पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, तो वो लोग उस होटल को छोड़कर के भागने लगे, लेकिन जो महिलाएं, बच्चे और कुछ अन्य लोग थे वो तो वहां से अपने अपने वाहनों से चले गए, लेकिन जो मुख्य लोग थे, जो इस आयोजन के जो आयोजक थे, जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, यहाँ SDM है, IAS रवि, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे हालातों को जाना और उसके बाद में जो लोग हैरान किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्रम में सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी वो महिलाओं को टारगेट करके और उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा रही थी, तो ऐसे में कुछ महिलाएं तो वहां से फरार हो गई, लेकिन 4 से 5 महिला और 1-2 युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो किसके कहने पर इस कार्य को कर रही थी। फिलहाल उन्हें अटलवन थाने ले जाया गया है जहां पर इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है धर्म परिवर्तन की, कि किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अब आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल जो निजी होटल है वहां पर पुलिस जाब्ता बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और जो सामान जो वहां पर काम में लिया जा रहा था, चाहे वो साउंड स्पीकर हो या फिर अन्य सामान हो, उसको सभी को जब्त करके थाने पहुंचाया गया है। ये अभी तक की जो तस्वीर है, इसमें आगे जो कार्रवाई है पुलिस की वो चल रही है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है वो लगातार शहर में जगह जगह घूम रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब आज ही 20 जगह पर ये धर्म परिवर्तन कराने का जो स्कैंडल है वो चल रहा है और इसमें एक जगह तो अभी ये पकड़ा गया है, लेकिन कई और जगह बाकी है वहां पर लगातार वो घूम रहे हैं कि कहां कहां पर और ये चल रहा है। तो अब पुलिस भी अलर्ट है, पुलिस ने भी चारों तरफ नाकाबंदी कराई है और ये जो लोग भाग रहे थे उनको, कई लोगों को तो रास्तों से पकड़ करके वापस पुलिस थाने लेकर के आई है। बिल्कुल अधिपा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई अब तेज होती हुई नजर आ रही है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।